दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों सामने जो मोबाइल आप देख रहे हैं ये मेरे एक सब्सक्राइबर का है और इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर भेजा है वीडियो इस मोबाइल का और इस मोबाइल के अंदर में जो एम आई अकाउंट लॉक लगा हुआ है और इस मोबाइल का जो मॉडल नंबर है वो एम आई नोट 4G, ठीक है। तो इस मोबाइल का एम आई अकाउंट जो है अनलॉक किया गया है बिना बॉक्स का, ठीक है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ मैं और कुछ अंत में आपको मेरे सब्सक्राइबर बताएंगे कि कैसे आपको इस मोबाइल का जो है अनलॉक करना है। तो दोस्तों सामने जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक फाइल है, ठीक है। ये FRP रिसेट जो टूल है ये, ठीक है, और इसके अंदर में जो टूल है और कुछ एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। तो इस फाइल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ये कंप्रेसर फाइल है, इसे आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा। उसके बाद आप इस फोल्डर को ओपन करेंगे और फोल्डर को ओपन करने के बाद आप इस फोल्डर को फिर एक बार ओपन करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर में फिर एक फोल्डर है, इस फोल्डर को फिर से आपको ओपन करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ये सेटअप है, इस सेटअप को आपको चला देना है, इसे आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे ये सेटअप इंस्टॉल होगा आपके कंप्यूटर में, जैसे आप फिनिश करेंगे तो एक आइकन जो है ओपन हो जाएगा आपके सिस्टम में। चलिए इसे हम यहाँ पे क्लोज करते हैं और आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए हम आपको बता दें यहाँ पे कि जैसे हमने इस फोल्डर को हमने एक्सट्रैक्ट किया था, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर में एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को जो हमें ओपन करना है, ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सेटअप को मैंने इंस्टॉल किया था अपने कंप्यूटर में और यहाँ पे एक जो है टूल जो है ऑटोमेटिकली हमारे डेस्कटॉप पर आइकन बन चुका है। इसे हमें सिंपली जो है राइट क्लिक करके ओपन करना है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर में जो ये लिखा हुआ है, ठीक है, इन में से इतने को जो है आपको कॉपी करना है और कॉपी करके आपको जो है इस टूल के अंदर में आपको यहाँ पे जो है पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको मोबाइल को जो है स्विच ऑफ करना है। स्विच ऑफ करने के बाद मोबाइल को जो है आपको उसको वॉल्यूम माइनस और पावर की सेम टाइम आपको प्रेस करना है। उसके बाद आपके मोबाइल में जो है फास्ट बूट मूड आ जाएगा। जब आपके मोबाइल में फास्ट बूट मूड आ जाएगा तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ डाटा केबल आपको अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर देना है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें, मेरे सब्सक्राइबर यहाँ पे दिखा रहा है कि इन्होंने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे कॉपी किया, उसके बाद इस टूल के अंदर में जो है इन्होंने पेस्ट कर दिया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को। उसके बाद इन्होंने अपने मोबाइल को फास्ट बूट मोड में ला करके और अपने कंप्यूटर से कनेक्ट किया। और जैसे इन्होंने अपने कंप्यूटर से कनेक्ट किया आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका एम आई अकाउंट जो यहाँ से जो है रिमूव हो चुका है। तो दोस्तों इस मोबाइल का एम आई अकाउंट अनलॉक हुआ या नहीं तो मेरे सब्सक्राइबर यहाँ पे वीडियो में दिखा रहे हैं, थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लें। नेक्स्ट क्लिक करिए और नेक्स्ट क्लिक करिए, स्किप बटन पर क्लिक करिए और नेक्स्ट क्लिक करिए, नेक्स्ट क्लिक करिए, नो क्लिक करिए और नेक्स्ट क्लिक करिए, नेक्स्ट क्लिक करिए, अग्री मारिए और नेक्स्ट क्लिक करिए। देखिए आपका मोबाइल कम्प्लीटली अनलॉक हो चुका है, मैं अकाउंट मोबाइल ऑन हो चुका है, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ।